दोस्तों कोहली इस बेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर के मैच में शानदार रोमांचक मैच था और विराट कोहली जीत गए हैं, यानी कि आरसीबी की टीम ने आज का दोपहर का मैच जीत लिया है, संडे का मुकाबला जीत लिया है। केकेआर आज बहुत बुरी तरह से हारी है। स्कोर कार्ड की बात करें तो केकेआर की टीम में सबसे ज्यादा रन 30 रन बनाए हैं आंद्रे रसेल ने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो सबसे ज्यादा रन मैक्सवेल ने बनाए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की काफी अच्छी जोड़ी जमी थी। ग्लेन मैक्सवेल के बाद एबी डिविलियर्स ने शानदार 34 गेंदों पर नाबाद 76 रन की पारी खेली। आरसीबी के स्कोर को 20 ओवर में 204 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कई ऐसे शॉट लगाए जिसमें फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट पंडितों को भी हैरान कर दिया। एक तरफ जहां मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप लगाकर कई बाउंड्री लगाई तो वहीं मिस्टर 360 ने हैरतअंगेज शॉट मारकर गेंदबाजों को चौंका दिया। आईपीएल के ऑफिशियल अकाउंट पर एबी के द्वारा मारे गए शॉट का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें उनके द्वारा मारे गए सारे शॉट्स की झलक है। बता दें कि आईपीएल में एबी का ये 39वां अर्धशतक है। एबी ने आखिरी ओवर में आंद्रे रसेल के खिलाफ विस्फोटक अंदाज दिखाया और 21 रन बटोर लिए। इस ओवर में एबी ने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। इस ओवर में रसेल ने 1 वाइड भी फेंकी। एबी इस मैच में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने पहले तो मैक्सवेल को रन बनाने दिया और जब ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए एबी का शोर शुरू हुआ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में एबी डिविलियर्स इज बेस्ट जरूर लिखें। आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल की वजह से आज आरसीबी इतने अच्छी तरह इतने रोमांचक मैच बनाकर जीती है।